हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे एक डिजाइनर नाइटी का कटिंग और सिलाई जो कि पहनने के बाद से बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। आप भी ट्राई जरूर करें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कटिंग और सिलाई दोनों एक ही वीडियो में एकदम बारीकी से समझाई हूँ, इसलिए वीडियो में तक बने रहें और कुछ नया सीखें। यहाँ पर देखिए, नाइटी को बनाने के लिए हम 3 मीटर कपड़ा लिए हैं, कॉटन का कपड़ा है और इसमें फुल लंबाई आ जाएगा, 52 से 54 इंच तक का लंबाई आप 3 मीटर कपड़े में बना सकते हैं। देखिए कपड़े को खोलेंगे और खोलने के बाद से सबसे पहले लंबाई के साइड से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद से अब हम यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं फोल्डेड साइड मेरे तरफ है और खुला हुआ भाग बाहर के साइड है और कपड़ा यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। बस आपको धारी के साइड से यानी लंबाई के साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेना है 4 फोल्ड में। यहाँ पर शोल्डर हम 6.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि 34 साइज चेस्ट है ब्लाउज का जिसका हम नाइटी बना रहे हैं। आपका हैवी साइज अगर होगा तो आप 7 इंच शोल्डर लीजिएगा। आर्म होल की लंबाई यहाँ पर हम 6.5 इंच ले लेंगे और इस तरह से देखिए दोनों लाइन को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर से लेकर 15 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जहाँ हमें कमर की फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो ऊपर से आपको 15 इंच पे दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर सीने का चौथाई भाग 9 इंच ले लेंगे, वैसे तो 8 इंच था पर 1 इंच आपको लूजिंग देना है नाइटी में। आपको भी मालूम है कि नाइटी में 1 इंच लूजिंग रहता है। कमर की चौथाई भाग में भी आपको 1 इंच लूजिंग कर लेना है और 1.5 इंच बाहर की साइड करते हुए मार्जिन का भी मार्किंग कर लेना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से आपको 1 इंच 2 पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से आर्म होल में गोलाई दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल में गोलाई देने के बाद से हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे क्योंकि बैक में हमें डीप गला नहीं बनाना है, बोट गला बनाना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को हम रखेंगे जहाँ पे हम 15 इंच पे मार्क किए थे कमर की फिटिंग के लिए, तो जो बाहर वाली लाइन है वहीं पर इंची टेप को रखिए और नीचे जो घेरा का कोना है वहाँ से हम मिलाते हुए एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर कर रही हूँ, लंबाई को आपको माप लेना है। 52 इंच में रेडी लंबाई बनाना है, इसके वजह से 2 इंच बढ़ा करके मैं इसकी फुल लंबाई 54 इंच में ली हूँ। आपको जितना लंबा बनाना है उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस कर लेना है क्योंकि नीचे से 1 इंच फोल्ड होगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा, तो आपको टोटल 2 इंच मार्जिन ले लेना है फुल लंबाई में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाहर वाली जो मार्किंग है उस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, कटिंग यहाँ पर हमारा हो चुका है साइड से। अब हम देखिए फ्रेंड्स, घेरे को अच्छे से यहाँ पर सेट करेंगे तो जो हमारा खुला हुआ भाग है जिस साइड से हम कटिंग किए हैं उस साइड आपको 3 इंच ऊपर की साइड एक मार्किंग कर लेनी है और वहीं से आपको देखिए तिरछे में इस लाइन को मिला लेना है क्योंकि साइड से हम कपड़े को गोलाई नहीं देंगे तो साइड से कोना लटक सकता है, तो इसलिए आपको पहले गोलाई दे देना है। उसके बाद से हम कली सेट करेंगे, तो साइड में हमें कली भी ज्वाइंट करना है, तो नीचे का जो पार्ट है आप उसको ऊपर के साइड कर लें और ऊपर का जो चौड़ा कपड़ा है उसको हम नीचे के साइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो धारी वाला साइड है उसी को पकड़ के हम कली को स्टिच करेंगे तो तिरछा हुआ भाग बाहर के साइड रहेगा और जो धारी वाला साइड है उसको हम जिस साइड हमारा कटिंग हुआ है उस साइड मिला के रखेंगे। और इसको देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ पर कली में भी हम गोलाई दे देंगे। जहाँ 15 इंच पे कमर की मार्किंग की है वहीं से आपको कली को सेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, गोलाई देते हुए हम कली को बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे नीचे वाले घेरे को मिलाते हुए। और कट करने के बाद से देखिए यहाँ पर 4 कली हमारा रेडी हो चुका है। एक बार और मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, शोल्डर से लेकर के 15 इंच पे आपको एक मार्किंग करनी है और वहाँ पर आपको कट लगा देना है छोटा सा क्योंकि कली को हम उसी वहीं से ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट को आपको अलग अलग कर लेना है, फ्रंट और बैक। और इसमें देखिए गले की अब कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट के गले की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं और लंबाई यहाँ पर हम 5 इंच ले रहे हैं। नीचे से गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 3 इंच और इस तरह से देखिए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बॉक्स को रेडी करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से आपको 1 इंच 2 पॉइंट पे
एक लाइन ड्रॉ करना है और उसको टच करते हुए सेफ दे देंगे। आर्म होल में भी हम देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच अंदर की साइड गहराई देते हुए कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ पर गले को भी हम कट कर ले रहे हैं। फ्रंट पार्ट का जो गला है उसको हम कट कर लिए हैं और अब हम देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट का गला कट कर रहे हैं। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स 3 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई और 3 इंच 2 पॉइंट हम इसका लंबाई ले रहे हैं। तो इस तरह से बैक में हम बोट गला बना रहे हैं, ज़्यादा डीप गला नहीं बना रहे हैं। बैक का जो गला है ना उसको भी हम यहाँ पर कट कर लिए हैं और कट करने के बाद से अब हम बाजू को कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम कपड़े को 4 फोल्ड करके रखे हैं। कपड़े को आपको 4 फोल्ड करना है और यहाँ पर हम लंबाई ले लेंगे 6 इंच में और चौड़ाई इसका हम 9.5 इंच ले रहे हैं। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कपड़े को सीधा कट करके निकाल लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है। नीचे से यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच पे जो हम मार्किंग किए हैं उसमें राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। बाजू हम यहाँ पे न्यू डिज़ाइन में बना रहे हैं, डबल लेयर में जो फ्रॉक टाइप का बाजू आता है उस टाइप का बाजू बना रहे हैं। नीचे से आपको देखिए कॉर्नर पे भी थोड़ा सा गोलाई दे देना है और इस तरह से बाजू को कट कर लेना है। देखिए यहाँ से सीधा लाएंगे और 1 इंच आपको यहाँ पर गोलाई दे देना है अंदर की साइड। इसमें जो घेरा वाला बाहर वाला गोलाई वाला पार्ट है उससे आपको 1 इंच 2 इंच कम करते हुए छोटा वाला बाजू कट कर लेना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड का बाजू हम कट कर लिए हैं। दो दो लेयर में बाजू को सेट करेंगे और अब हम देखिए आपको कली को ज्वाइंट करना बता रहे हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, सेंटर पार्ट को अच्छे से फैला लेना है और कली का जो धारी वाला साइड है उसको आपको जहाँ पे 15 इंच में हम कट लगाए थे वहाँ से मिलाते हुए रख के स्टिच कर लेना है। देखिए एक साइड का कली मैं आपको बता दी हूँ और सेम आइडिया से दूसरी साइड का भी कली आपको देखना है। देखिए जो धारी वाला साइड है बिल्कुल सीधा साइड है उसको यहाँ पर हम मिलाते हुए रख लेंगे जहाँ पर हम कट लगाए थे। दोनों साइड आप देख सकते हैं, सिंपली आपको आधा इंच कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए कली को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आगे के पार्ट में कली को ज्वाइंट कर लिए हैं और फिर से देखिए फ्रेंड्स जो पीछे का पल्ला होता है उसको भी लेंगे और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स सेम आइडिया से आपको कली को ज्वाइंट करना है। देखिए जहाँ पर हम कट लगाए हैं वहीं से इसको मिलाते हुए रखेंगे और कली को ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए दूसरे साइड भी हम जो धारी वाला साइड है कली का उसको मिला के रख के आधा इंच कपड़ा पकड़ के स्टिच कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों साइड में हम कली को ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों पल्ले में। देखिए कली को ज्वाइंट करने के बाद से अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अच्छे से मिलाते हुए आपको डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद से जिस साइड हम कली ज्वाइंट किए हैं जो हमारा खुला हुआ भाग है उस साइड से हम 1.5 से 2 इंच कपड़े को फिर से छांट लेंगे। नहीं तो फिर कली जहां हम ज्वाइंट करते हैं साइड में नाइटी को रेडी करने के बाद से वो लटक जाएगा कोना। यहां पर देखिए गले को रेडी करने के लिए 2.5 इंच चौड़ाई में एकदम सीधी पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई आपको 2.5 इंच लेना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए पट्टी के किनारे पर सिलाई लगानी है। सिलाई हम लगा लिए हैं और सिलाई लगाने के बाद से इसके ऊपर प्रेस लगा लीजिए। प्रेस लगाने के बाद से अब हम इसमें छोटा छोटा प्लेट डालेंगे। प्लेट की चौड़ाई आपको बिल्कुल सेम रखनी है, ज़्यादा चौड़ा या ज़्यादा पतला प्लेट नहीं लेना है आपको। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स पूरे पट्टी में हम अच्छे से फ्रिल बना लिए हैं। जितना में आपका आगे का गला कवर हो जाए उसी हिसाब से आपको पट्टी की लंबाई लेनी है। और यहाँ पे देखिए फ्रिल हमारा रेडी हो चुका है। इसमें जो जो भी धागा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे और अब हम देखिए फ्रेंड्स गले के सीधे साइड इसको स्टिच कर लेंगे। आगे के गले में स्टिच करेंगे फ्रिल को। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स आपको सिंपली गला का जिस तरह से शेप है उसी तरह से आपको घुमाते हुए फ्रिल वाले पार्ट को गले पर स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखिए सेंटर पर आएंगे और सेंटर पर आपको फ्रिल को कट कर लेना है। बीच में हमें कट डालना है, इसके वजह से आपको गला का आपका जहाँ भी गला का सेंटर आए वहाँ से आपको फ्रिल को कट करके और बिल्कुल उसको चिपकाते हुए फिर दूसरे साइड हम फ्रिल को अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स दूसरे साइड गले पर भी हम
फिल वाले पार्ट को अटैच कर लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है उसको कट कर देंगे। और देखिए बीच में जहाँ पर हम कट लगाए थे यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में हम उरेबी पट्टी लेंगे। पट्टी आपकी उरेबी होनी चाहिए और चौड़ाई 1.5 इंच होना चाहिए। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम गले के उल्टे साइड से आप देख रहे हैं किस तरह से मैं एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए स्टिच कर रही हूँ। सेम आइडिया से आपको भी कर लेना है। पट्टी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिए। और अब हम देखिए फ्रेंड्स गले को सीधा करेंगे और उस पट्टी को हम सीधे साइड फोल्ड करते हुए जिस तरह से रेडीमेड में चपटी वाली पाइपिंग बनती है उसी तरह से इसको सीधे साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं गला यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। और जहाँ हम कट लगाए हैं फ्रिल में वहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए बिल्कुल चारकोर पट्टी लेंगे और पट्टी के पूरे किनारे को आपको फोल्ड कर लेना है सिलाई लगा करके। और अब हम देखिए बिल्कुल बीचों बीच में 1.5 इंच लंबाई कट डालेंगे। तो 1.5 इंच आपको कट कर लेना है बिल्कुल सेंटर से। सेंटर से कट करने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स हम पट्टी को रखेंगे और जो हमारा गला का सीधा साइड है उस पट्टी के साइड से मिला के रख लेंगे। और उल्टे साइड से आप देख सकते हैं मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक चाप कपड़ा मार्जिन में आपको दबाते हुए सिलाई लगाना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और देखिए उल्टे साइड से इसको स्टिच करके अब हम बीच से जो पट्टी है उसको भी कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से कट कर रहे हैं। कट करने के बाद से देखिए गले को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से आपको उस पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है। ऊपर के साइड पट्टी में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि नेक पहले से हमारा रेडी था। तो जो 1/2 इंच हम पट्टी को एक्स्ट्रा रखें उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए गले में फिनिशिंग दे देंगे। और यहाँ पर कट हमारा बन के रेडी हो चुका है। कट को रेडी करने के बाद से यहाँ पर हम डोरी पलट लेंगे। जिस तरह से ब्लाउज का डोरी हम बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको एक चाप चौड़ी डोरी सिल लेनी है। और यहाँ पर देखिए सुई से इसको स्टिच करके डोरी को हम पलट लेंगे। इसी तरह से आपको दो डोरी पलट करके रख लेना है दोनों साइड के लिए। 2.5 इंच लंबाई 2.5 इंच चौड़ाई में हम स्क्वायर में कपड़ा लेंगे और उसका यहाँ पर हम फैब्रिक लटकन सेट करेंगे। इसमें दोनों साइड के लिए देखिए दो डोरी में लटकन सेट कर लेंगे और उसको देखिए हम गले के कॉर्नर पर स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर दोनों साइड से डोरी को हम स्टिच कर लिए हैं और आगे का जो गला है हमारा बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अच्छे से डोरी में नॉट लगा लेंगे यानी अच्छे से यहाँ पर आपको डोरी को बांध लेना है। और नेक देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है। फिर से यहाँ पर हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे आप देख सकते हैं। और इस पट्टी को भी हम उरेबी में ही लेंगे यानी आपको तिरछी पट्टी लेनी है। और पीछे का जो गला है उसमें देखिए फ्रेंड्स सीधे साइड से हम इस पट्टी को स्टिच कर रहे हैं यानी आपको पट्टी को सीधे साइड से सिल लेना है। पट्टी को बाहर की साइड करते एक कच्ची सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर। और अब हम देखिए फ्रेंड्स उल्टे साइड पट्टी को पलटा लेंगे और कॉर्नर पर हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स पीछे का भी गला हमारा रेडी हो चुका है। और दोनों साइड के गले को रेडी करने के बाद से अब हम इसमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो शोल्डर आपको अच्छे से मिलाते हुए दोनों साइड से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको साइड में करेंगे और शोल्डर देखिए आप देख सकते हैं ज्वाइंट हो चुका है। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स अलग तरीके से बाजू को हमें सेट करना है। जो इसका गोलाई वाला पार्ट है उसको हम फोल्ड करते हुए पहले सिल लेंगे यानी उसके किनारे को आपको स्टिच कर लेना है। ध्यान रखना है जो गोलाई वाला पार्ट है उसी को आपको सिलना है। जो सीधी साइड है बाजू की उसको पकड़ करके हम स्टिच करेंगे नाइटी में। सेम आइडिया से देखिए जो छोटा वाला बाजू हम 2 इंच कम में कट किए थे उसका भी बाहर वाला जो घेरा वाला साइड है उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए छोटा और बड़ा दोनों बाजू का जो घेरा वाला पार्ट है उसको हम फोल्ड कर लिए हैं। और अब देखिए दोनों का सीधा साइड मिला लेंगे और छोटा वाला बाजू बड़े वाले बाजू के ऊपर सेट करते हुए हम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हम नॉर्मल बाजू बनाते हैं उसके उल्टे तरीके से हमें स्टिच करना है। उसमें हम गोलाई वाला पार्ट
पकड़ के स्टिच करते हैं, तो इसमें आपको सीधे साइड की जो पार्ट है उसको पकड़ के स्टिच करना है। देखिए दो लेयर में कितना खूबसूरत बाजू हमारा बन के रेडी हो चुका है। और सेम आइडिया से दूसरे बाजू को भी हम सेट कर लिए हैं, और मैं आपको इसे लगाना बता रही हूँ किस तरह से आपको अपनी नाइटी में इसे सेट करना है। सेंटर पर एक कट लगाएंगे, और सेंटर पर कट लगाने के बाद से देखिए जो हमारा सीधा साइड है, जो फोल्डेड साइड नहीं है, बस उसी को आपको सेंटर कट से मिलाते हुए गोलाई को चेक करना है। और सिंपली आधा इंच कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए बाजू को हम स्टिच कर लिए। तो देखिए बाहर की साइड घेरा वाला पार्ट हो गया है। और सेम आइडिया से अब हम दूसरी साइड का भी बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड हम बाजू को अच्छे से सेट कर लिए हैं, और बाजू का भी लुक आप देख रहे हैं बहुत ही स्टाइलिश आ रहा है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे, तो नाइटी को आपको फिटिंग करना है, तो उल्टे साइड करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। दोनों साइड आपको फिटिंग की मार्किंग डार्क कर लेना है। फिटिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस साइज का कुर्ती पहनते हैं, कुर्ती से भी आपको 1 इंच लूजिंग देना है नाइटी में, क्योंकि नाइटी हम कंफर्टेबल के लिए पहनते हैं, तो लूजिंग आपको देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से आपको बाजू से लेकर के नीचे की साइड तक फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। यहाँ पर देखिए मैं आपको स्टिच करके भी बता दे रही हूँ। ऊपर की साइड जितना फिटिंग में आपको दबाना है उतना कपड़े को दबाना है, और नीचे की साइड आधा इंच कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए दोनों साइड से हम नाइटी को फिटिंग कर लेंगे। नाइटी को यहाँ पर फिटिंग कर ली है, और फिटिंग करने के बाद से जो इसका नीचे का घेरा है उसमें घेरे में 1 इंच कपड़ा लंबाई में एक्स्ट्रा लिए थे, तो आपको सिंपली 1 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेना है नीचे से। कभी भी आप नाइटी में मार्जिन ले तो 1 से 1.5 इंच ले, क्योंकि नाइटी अगर छोटी हो जाती है धुलने के बाद से तो मार्जिन ज़्यादा रहेगा, तो उसे खोल करके हम बना सकते हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ बताने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन